Assalamu alaikum students, welcome to the professional academy. I am Muhammad Qasim, आपका teacher, online and offline teacher. आपको जो भी problem आ रही है आप just text कीजिए and inshallah we will help you. आपके लिए lecture 12C में दोबारा से हाजिर हैं. graph formatting आपको सिखाई जा रही है. आपको last time हमने shapes की formatting सिखाई है, आप graph की formatting से आएंगे. मेरा हर बात पे focus करने का मकसद ये है कि आप सीख जाएं, हर चीज़ को सीख जाएं, बारी बारी सीख जाएं, ठीक है. तो ये मैंने कुछ और शेप इसको थोड़ा और अच्छा बना दिया था. तो मैं यहाँ से ग्राफ को कट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे, ताकि जिसको जिस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं वो आपको कम्प्लीटली नज़र आए. ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया था लास्ट वीडियो में, आपको याद है, अगर नहीं याद तो आप वीडियो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ. तो अभी आप इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं, ये ग्राफ पे आप क्लिक करें, आपके पास तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट. डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में आप क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल डिज़ाइन पहले चेंज कर सकते हैं. ये डिज़ाइन आपके पास ओपन हो गए, देखिए कितने सारे डिज़ाइन हैं आपके पास. तो मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ. ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चार्ट टाइटल्स, यहाँ से आप फॉर्मेट में बेसिकली डिज़ाइन में जाएं, यहाँ से आप टाइटल्स वगैरह सेलेक्ट करें. टाइटल क्या है जी, ये हम लर्निंग चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, लर्निंग चार्ट है, ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखिए कि आप इस चार्ट में क्या क्या कुछ कर सकते हैं. डिज़ाइन ओपन है जी, चेंज द टाइप आपने चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर दें. मैं आपको ग्राफ पे कम से कम 4 से 5 लेक्चर एक्सेल में सिखाऊंगा, एमएस एक्सेल में आपको एडवांस ग्राफ सिखाएंगे, ऐसे ग्राफ जो कि आप खुद हैरान रहेंगे कि आपने इतने अच्छे ग्राफ्स तो कभी सीखे ही नहीं हैं, ठीक है, कि आपको किसी कोई बताएगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इतनी डिटेल में जो ग्राफ है वो आपको डिस्कस करें. अभी देखिए सबस कलर में बॉयज़ आ रहे हैं, रेड कलर में गर्ल्स के पास आ रहे हैं, क्या था भला गर्ल्स के पास, कॉपीज़ वगैरह जो हमने डिस्कस की थी, याद है ना. अब इसमें देखिए परसेंटेज, ये देखें ये लेआउट, ठीक है, ये लेआउट आपको सिखा रहा है. अब ये सिलेक्टेड डाटा में क्या है कि सिलेक्टेड डाटा में आप क्या कर सकते हैं, एम एस एक्सेल, ये देखा ना, फर्स्ट ओपन इन एडिट डाटा, ये एक्सेल की फाइल खुली है, ये एक्सेल की फाइल के अंदर सेलेक्ट डाटा आप यहाँ से कर सकते हैं. लेकिन ये छोड़ें, इसको हम नेक्स्ट एक्सेल में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए. अब लेआउट में आ जाएं, लेआउट के अंदर आपने क्या करना है, लेआउट में फॉर्मेट सिलेक्शन है, नो फिल, क्लोज करें. लेआउट में आपके पास नो फिल है, ये देखिए बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा. अच्छा, अब फॉर्मेट सिलेक्शन में जाएं और इससे ग्रेडियंट फिल कर दें. आपको शायद नज़र नहीं आया तो एक बार फिर कर दूं, कभी आप कहें जी सर तो ऐसे ही करते रहते हैं, बाद में हमें तो नहीं पता कि ये क्या कुछ हमारे साथ हो जाता है, ठीक है जी. तो प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया वगैरह, यहाँ पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, बॉक्स ड्रा कर सकते हैं. ये देखिए दादा जी, यहाँ पे बुक्स लिखा आ रहा है, यहाँ पे नन लिखा आ रहा है, अबव द चार्ट आना चाहिए आपके पास. लिगेंड्स आपने शो लिगेंड्स राइट से देखे, ठीक हो गया, शो लिगेंड्स ऑन द टॉप. अब यहाँ से लेजेंड्स किने कहा जाता है, ये जो आपके पास है, ठीक है, लेजेंड्स आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके पास है क्या. लेबल इन द सेंटर्स हैं, लेबल एट द एंड कर दें आपके पास, ये देखें एंड पे आ रहे हैं लेबल. अब सेंटर में, ये देखिए सेंटर में आ रहे हैं, बेस्ट फिट, जहाँ में बेस्ट फिट आता है, नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा, हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक हो गया. तो ये साथ वाली ऑप्शन अभी आपके पास नहीं आ रही हैं, ये दूसरे ग्राफ आप शो करेंगे तो उनमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी. ये 3D रोटेशन को मैं करता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए अभी हमें सामने विजिबल नज़र आ रहा है. यहाँ से आप ऑप्शन बॉर्डर स्टाइल, अब ये ट्रांसपेरेंसी अगर आपने करनी है तो इसे आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इसका शेडो ला सकते हैं, इसमें ब्लर ला सकते हैं. तो आई थिंक यू कैन डू द ऑल द थिंग्स, अगर आप बेस्ट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं. एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ, मैं डिज़ाइन में दोबारा जाता हूँ, चेंज द चार्ट टाइप करता हूँ,
और मैं लाइन ग्राफ में चला जाता हूँ, ये देखें अब लेआउट में आता हूँ, ये ऑप्शन ओपन होगी ना ऑप्शन, ये प्राइमरी एक्सिस आ गया, शो द एक्सिस, ठीक है जी, तो वर्टिकल एक्सिस में भी शो करें, ये देखें, ये ऑप्शन सारी आप यूज़ करके देखेंगे किधर गया ग्राफ, तो मैं इस ग्राफ पे आता हूँ। अब ये देखें जी लेआउट में आता ट्रेंड लाइन, लीनियर लाइंस, ठीक है जी, ये देखें ये लीनियर लाइन आ गई, ये आपको ट्रेंड बताएगी कि कम हो रहा है, किस रेशो से कम हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल लाइन भी डाल सकते हैं, बहुत सारी लाइंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक होगा। और आप इसको यूज़, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, तो अभी हम इधर चलते हैं, आर जी आप क्या कर सकते हैं इसको, ये मैंने चेंज किया था, मैंने कंट्रोल जी दबाया तो दोबारा चेंज हो गया, चलें कोई खैर, ठीक है। अब मैं इधर चलते हैं, लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, बार्स आप शो कर सकते हैं, नहीं जी हमने नहीं करनी थी, तो मेरे पास ये फाइल जो है ना इसकी एक दफ़ा सारा ही फॉर्मेटिंग ख़राब हो चुकी है, आपको सिखा सिखा के एरर बार्स आपने डालने हैं, यानी इतना एरर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एरर बार ख़त्म करना चाहूँ तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपके पास फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट में आप इसका बॉर्डर दीजिए, ये देखिए खूबसूरत सा बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया, यहाँ से आप शेप्स में कलर फिल कर लीजिए, नहीं जी हम येलो पे ही चले जाते हैं, येलो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बॉर्डर ब्लैक दे दीजिए, शेप्स का इफेक्ट शेडो दे दीजिए, ठीक हो गया। आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, पोजीशन आप मिड की रखिएगा अगर रखनी है आपने, ये अलाइन आप कर सकते हैं, ऑप्शंस है आपके पास, साइज़ है बेसिकली 4 और 5 का साइज़ रखा जाता है कॉमन, ठीक हो गया। तो टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आप कर लें, तो ये आपके पास फॉर्मेटिंग है, जो मैंने आपको सारी फॉर्मेटिंग सिखा दी है कि कैसे आप ग्राफ को फॉर्मेट करेंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे उसको, आप एक अच्छा ग्राफ बना के दें, जब आप थीसिस लिखें खूबसूरत सा ग्राफ बनाएं, इसकी बार्स में कलर कैसे होता है, इसकी भी एक मेथड है, पूरा मेथड है, आप कैसे अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह चीज़ें सिखाता रहूँगा, तो इंशाल्लाह आप साथ रहिएगा, देखते रहिए चैनल भी देखते रहिए, और साथ अगर आप इसकी सीडी चाहते हैं तो यू कैन बाय द सीडी फ्रॉम द प्रोफेशनल एकेडमी 39 सी यमुना पार्क खंजरा मुल्तान और लाहौर से, और आपके पास नंबर लिखा आ रहा है 0333-823-6115, इस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त, हमें बता सकते हैं आपको मसला है प्रॉब्लम है, हम आपके शेयर करेंगे, उस पर हम नई वीडियो बनाएंगे आपको देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।